सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले तो नोवा का शुक्रिया, उन्होंने इज्जत अफजाई की इस ऑनर के लिए, और गिफ्ट के लिए भी शुक्रिया जो कि कल मुझे रिसीव हो गया है। सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद ये PMS की मेरी सेकेंड अटैम्प्ट थी, और प्रिपरेशन के हवाले से मेरा कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, मतलब इंजीनियरिंग और CSS की प्रिपरेशन या PMS की प्रिपरेशन जितना चीज है। नोवा का क्या रोल था मेरी प्रिपरेशन में, तो सबसे पहले जो रोल था नोवा का वो मैंने नोट भी किया हुआ था, वो था कि नोवा का सबसे जो अच्छी बात थी वो स्क्रीनिंग आउट थी, कि जो आपको टीचर्स हैं नोवा के वो स्क्रीन आउट करके दे देते हैं कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी, तो इसके लिए आप आसान हो जाता है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते और सिर्फ मतलब की चीज़ें पढ़ते, तो ये था। और दूसरा जो नोवा की सबसे अच्छी बात थी वो इंडिविजुअल गाइडेंस थी, इवन के मैं रात को क्लास ख़त्म होने के बाद 10 बजे भी सर पास किया तो उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया, और जिस तरह इंटरटेन करते हैं वो किया उन्होंने, मुझे मेरी प्रेसिंग वगैरह चेक की है, जो भी असाइनमेंट होती थी सर मैं व्हाट्सएप पे प्रेसिंग भेज देता था और वो वॉइस नोट में मुझे उनसे रिमार्क्स भी दे देते थे और बता देते थे किधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ये सारा कुछ, तो इंडिविजुअल गाइडेंस भी मुझे मतलब नोवा की एक स्ट्रेंथ लगी कैंडिडेट्स के लिए। थर्ड जो मॉक एग्जाम थे उनका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं नोवा में अपेयर हुआ, उसके बाद जो मॉक एग्जाम्स को डिस्कस करने के लिए सारा कुछ होता है उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और फोर्थ नंबर पे जो सेशन के एंड पे एग्जाम से थोड़ी देर पहले रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उनका बहुत फ़ायदा हुआ, और फाइनली जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू फेज में भी मैंने नोवा से इंटरव्यू की तैयारी की, मॉक इंटरव्यूज भी दिए, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम दिया। तो फाइनली मैं डेडिकेशन की तरफ आ जाता हूँ, उम्मीद काफ़ी मेरे ख्याल में टाइम भी पूरा हो गया होगा, तो सबसे पहले जारी बात है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने करम किया, उसके बाद पेरेंट्स अम्मी ने बहुत दुआएं की हैं और अबू ने भी इस तरह की कोई टेंशन नहीं होने दी, इसके अलावा टीचर्स तकरीबन सब टीचर्स ने ठीक ठाक सपोर्ट किया है, अच्छा गाइड किया है, और फाइनली कुछ दोस्त भी थे उन्होंने भी मतलब गाइड किया, से दानियाल हो गया, जुल्फी हो गया, उन्होंने अच्छा खासा गाइड किया, बदर और उस्मान वगैरह भाइयों की अच्छी खासी सपोर्ट हासिल गई। तो फाइनली बस मैं कंक्लूड करूँगा उसमें जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी एडवाइस जारी बात है, ये थोड़ा छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे मुझसे ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर समअप करूँ तो मैं जो अब एस्पायरेंट्स हैं उनको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो प्योरीफाई योर इंटेंशन, कि अपनी नीयतों को साफ रखें, और दूसरा एक्सीलेंस को परसू करें, और थर्ड अपनी थॉट्स में और अपनी राइटिंग में मेडिएशन लेके आएं, और फाइनली आप बस डेविएट ना हो। देखिए मैं जब अभी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगा कि मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रिपेयर किया था कि आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो मैं इंटरव्यू पैनल को बताता था कि उसमें चार रीजन हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि दिस वुड बी अ जॉब जिससे मुझे सैलरी मिलेगी और उससे मेरी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होंगी, और दूसरा मेरा ये था कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर भी किया है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से, तो इस जॉब में ये होगा कि मैं अपने नॉलेज को अप्लाई करूंगा, ये मेरी दूसरी रीज़न थी। थर्ड ये कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू अपने पीयर्स के अमंग डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, तो ये मेरी क्लियर इंटेंशंस हैं, इसमें मुझे कोई इधर उधर की कोई बात नहीं है शक वाली कि मैं क्यों सर्विस में आना चाहता हूं, तो प्योरीफाई और इंटेंशन से मुराद मेरी ये थी कि आप बिल्कुल क्लियर रहें कि आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, तो नियतों का वैसे बदला अल्लाह ताला भी देते हैं और फिर अल्लाह ताला भी करम करते हैं। क्या खूबसूरत बात की है साहब, साहब छा गए आप, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, मैं आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे।